नक्सली सप्ताह की पूर्व संध्या पर एक जहाल वरिष्ठ महिला माओवादी कैडर ने गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ बल के सामने आत्मसमर्पण किया। एक नजर इस खबर पर। नक्सली सप्ताह की पूर्व संध्या पर जहाल की एक वरिष्ठ महिला माओवादी कैडर ने गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने कुल 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वह माओवादियों के गढ़चिरौली डिवीजन को पूरा सामान मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार थी। 2005 से सरकार द्वारा घोषित आत्मसमर्पण योजना के कारण और हिंसा की जिंदगी से तंग आकर वरिष्ठ माओवादियों समेत कई जहाल माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए पुलिस बल द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास योजना के कारण अब तक कुल 671 माओवादियों ने गढ़चिरौली पुलिस बल के सामने आत्मसमर्पण किया है और आज 27 जुलाई को कुल 8 लाख का पुरस्कार रीना बोर्रा नरोटे उर्फ ललिता कमांडर टेलर टीम गढ़चिरौली डिवीजन उम्र 36 वर्ष निवासी बोटन फुंडी भामरागढ़ जिला गढ़चिरौली के एक माओवादी ने गढ़चिरौली पुलिस बल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। गढ़चिरौली पुलिस बल द्वारा चलाए गए प्रभावी माओवादी विरोधी अभियान और सरकार द्वारा माओवादियों को आत्मसमर्पण करने का सुनहरा अवसर प्रदान करने के कारण सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वर्ष 2022 से 2024 तक कुल 23 जहाल माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उक्त माओवादियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लाने की कार्रवाई संदीप पाटिल विशेष पुलिस महानिरीक्षक नागपुर, अंकित गोयल पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़चिरौली परिक्षेत्र, अजय कुमार शर्मा पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ नीलोत्पल पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली और शंभू कुमार कमांडर 9/ सीआरपीएफ के मार्गदर्शन में पूरी की गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली नीलोत्पल ने आह्वान किया है कि पुलिस बल विकास कार्यों में बाधा डालने वाले माओवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। वहीं गढ़चिरौली पुलिस बल उन लोगों की मदद करेगा जो विकास के मुख्य धारा में शामिल होने और लोकतंत्र में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इच्छुक है। उन्हें गढ़चिरौली पुलिस बल पूरा सहयोग करेगा, इसलिए राह भटके हुए माओवादी मुख्य धारा में शामिल होकर शांततापूर्ण जीवन व्यतीत करें। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि गणेश मोदकुरवार की रिपोर्ट।